दिशा सालियान के फोन से आखिरी कॉल किया गया था मुंबई पुलिस को, जी हाँ, यानी कि मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में। लेकिन मुंबई पुलिस का इस पर क्या जवाब आया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि मुंबई पुलिस पर कई सवाल कई वक्त से खड़े हो रहे हैं, जब से बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस आया है और दिशा सालियान का। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ वक्त पहले नितेश राणे जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि किस तरीके से दिशा ने आखिरी कॉल जो है वो, पहले उन्होंने सुशांत को कॉल किया जब वो पार्टी से निकली, उसके बाद उन्होंने कॉल किया सीधा मुंबई पुलिस को, 100 नंबर उन्होंने डायल किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप 100 नंबर डायल करते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ ये बात, कि जब आप 100 नंबर डायल करते हैं अगर फोन नहीं उठ रहा तो जो भी वहां पर हो रहा है वो कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। अब इस पर मुंबई पुलिस का खुलासा ये आया है, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया है बाहर आकर और कहा है कि दिशा सालियान के फोन से जो आखिरी कॉल था वो था उनकी फ्रेंड अंकिता को। जी हाँ, दिशा सालियान के फोन से आखिरी कॉल किया गया था अंकिता को, जो कि उनकी कोई फ्रेंड है। जी हाँ, तो मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं इस थ्योरी को तो डीबंक कर दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि कोई भी लास्ट कॉल दिशा के फोन से नहीं आया था मुंबई पुलिस को, ये जो खबरें आ रही हैं ये झूठ हैं। अब देखना ये होगा कि जिस सोर्स से ये खबर आई है, यानी कि नितेश राणे सर, वो क्या कुछ कहते हैं इस चीज पर। लेकिन आप लोग की क्या कुछ राय है इस पर, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।